सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बताएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। बताओ किस कदर सन्नाटा हमारे टंडवादम में। भाई साहब 1973 में होती थी ऐसी शांति। उस टाइम भी कोई शोर ना था, अब भी कोई शोर। जब से पैदा हुआ हूँ पूरा शहर ही मेरे खोप की आवाज़ खामोश हो गया। ओ भोसड़ी के अड़ जा, तेरी वजह से पूरा इंजन रोके पड़ा। ओ भेरे जिंदा भेरा हो रखा है। मेरी ये चीरती निगाह से बच के कहाँ गए गूंगा और बेरा। सूतरी के मिल रहे ना है। आये रा अच्छा। अबे ये रा भाई क्या बोल रहा है, मेरे समझ ना आ रही तेरी। बे यार तेरी बात एक तो भेरा समझा, भोसड़ी का पता नहीं क्या बोल रहा है तू। रात बहुत हो रही है यार, भेरा कहाँ है? अबे यार चल अब भेरे को ढूंढे। छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरा कद होगी छुट्टी। 16 फिल्म कब की खत्म हो गई, आज तक मैं तुम्हारी धुलवा रहा हूँ। तो परम्पा रात का खाना और सालों वाले को तुम्हें मिलती है ना? अरे ठाकुर साहब तुम्हारे बाल कुछ नीचे आ रहे हैं, थोड़े से ऊपर कर दूं मैं। परम्पा लगता है मेरी मुझे भी नीचे आ रही है, अगर उनको साइड करना। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा था ठाकुर साहब, ये लो। तो परम्पा हम कहाँ पर? मेरी छुट्टी पता ठाकुर साहब कब दोगे छुट्टी? परम्पा सरकार ने मेरी गांड मार रखी है, वो भी दोनों हाथों से, और कोरोना वायरस ने भी मार रखी है, और ऊपर से गोल्डन भी खत्म हो गई है। तो जब तक मुझे सरकार के दिए वो गोल्डन के पैकेट नहीं मिल जाते हैं, जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे को गोल्डीज के पैकेट ना मिलेंगे, तो क्या सारी जिंदगी मैं तुम्हारी धोते रहूंगा? तो फिर मेरा तुम एक काम कर दो परम्पा। बोलो। मुझे 3 लौंडे चाहिए जो दूर से ही देख ले, पहला ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो जो दूसरों की बातों में उलझा के निकल जाए, और तीसरा ऐसा हो कि दूर से ही आहट की आवाज़ सुन ले। ये 3 लौंडे अगर तुम्हारी नज़र में हैं तो उन्हें मेरे पास लेकर आ। ऐसे 3 लौंडे तो मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कहाँ मिलेंगे, तुमने पहले ना बोला ऐसा। मतलब भोसड़ी के पहले लिया था ना। ओह नो। ये ठाकुर साहब ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया, ये तो हमने लिखा ही ना। माफ करना गुस्से में दो दो निकल जाता हूँ। तो फिर परम्पा उनको लेकर आओ मेरे पास, मैं अभी जाता हूँ। भोसड़ी वालों को हर जगह ढूंढ लिया मैंने, मिल ना रहे तीनों। ओ ये रहे। अरे भाई साहब गलत जगह आ गए, अमीना मंगानी चाय वाला है। चाय वाला दिख रहा हूँ मैं तुम्हें, चाय वाला हूँ। oh, no. ठाकुर साहब का CDW हूँ मैं, चुतड़ धोने वाला। वही शोले फिल्म वाले? अरे वही शोले फिल्म वाले ठाकुर साहब। हाँ वही शोले फिल्म वाला ठाकुर। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? अरे भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परमपाल। इसकी गण लाल? अबे तो ये बेरा पता नहीं क्या सुनता रहेगा। अरे मुझे क्या पता, बलोच ने केबिन क्यों बंद कर दी और ऊपर से कोरोना वायरस ने गांड फाड़ दी। अरे तू चुप हो जा भोसड़ी के। मेरे बोलो भाई साहब। मेरे को भेजा ठाकुर साहब ने, क्योंकि ठाकुर साहब को 3 बंदों की तलाश है, क्योंकि उनको वो गोल्डीफ के 2 पैकेट ढूंढने जो गब्बर को पकड़ते हुए उनके हाथों से निकल गए थे। ठाकुर साहब का ये काम कर दिया ना तो 1 पैकेट तुम्हारा, और मुझे पता है तुम लोगों को पैकेट की असल जरूरत है, बीड़ी की। चलो फिर। बंदे मिल गए। अभी तो वही ठाकुर साहब है 16 फिल्म वाला। अबे हाँ भोसड़ी के, वो ये चुप करके सुनता रहे। अबे मुझे क्या पता इस टाइम बीड़ी कहाँ मिलेगी। अब इसको समझा यार क्या बोल रहा है। काहे बंदे बोरे तुम तीनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे ठाकुर साहब तकलीफ
अपने लौड़े मेरा मतलब है अपने घोड़े पे बिठा के लाए हूँ तीनों को। तो ये मेरा काम कर देंगे ना? अरे ठाकुर साहब, जेम्स बॉन्ड भी क्या चीज का ढूंढे जो ये तीनों ढूंढे? पक्की बात है, कर देंगे ना। अरे ठाकुर साहब, काम की टेंशन ना लो तुम, काम की टेंशन ना लो, ये बंदे प्रोफेशनल हैं कुछ। फिर इनको काम समझा दो। तो बात कुछ ऐसी है। कैसी है? मेरा मतलब है बात कुछ ऐसी है कि ठाकुर साहब को दो गोल्डिफ के पैकेट चाहिए, वही गोल्डिफ के पैकेट जो गब्बर को पकड़ने पे सरकार ने इनाम में रखे थे, और ठाकुर साहब ने काली खान की गुफा में गब्बर को पकड़ते हुए वो पैकेट गवा दिए। अब इनको वही पैकेटों की तलाश है। अगर तुम वो पैकेट ढूंढ के ले आए तो उसमें से एक पैकेट ठाकुर साहब तुम्हें दे देंगे, क्योंकि ठाकुर साहब के मैंने उठा, मेरा मतलब है ठाकुर साहब को मैंने मना लिया है उनको पैकेट देने के लिए। तो तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें एक पैकेट दे दूंगा। ना 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 ठाकुर साहब, चाय जैसा नमक पारे होने चाहिए, फिर मजा आएगा। ओह नो। अरे प्रेम पाओ, ये भोसड़े का गलत क्यों सुन रहा? अरे ठाकुर साहब, वो छोड़ा ना तुम, बंदे हैं प्रोफेशनल, देखना तुम काम कैसे चुटकियों में होते हैं, चुटकियों में। चलो फिर, मैं जा रहा हूँ, इनको तुम काम पे लगा दो। मेरा मूड ना करने का भी खड़ा ना हो रहा। ओह नो। अबे बोखलेंडी के पैकेट ढूंढना है, पैकेट ढूंढना। चलो अपनी अपनी जगह चलते हैं पैकेट ढूंढने। ना बागी थ्री मूवी बढ़िया, लेकिन पूरी मूवी में मुझे कहीं आवाज ही ना सुनाई थी। अबे बोखलेंडी के, मेरे को तो पूरी मूवी में टाइगर स्वरूप ना दिखा। ओह नो। सही कह रिया, सही कह रिया, अब अपनी जगह पैकेट ढूंढते हैं। चलो भाई, जब वो तू ढूंढ रहे हो थोड़ा ऊपर है। ऊपर है? अबे ये तो सिगरेट नहीं है भाई साहब, ये तो सिंगार है। Oh, no. धुआं निकाला है, धुआं निकाला है। अबे लूंडे, अबे हाई जल्दी आ जा, मिल गया। अबे ये ना सिंगार है ये। अबे साले किसी का औजार पकड़ लिया, दिखे तुम्हें? Oh, no. अबे ये तो बोले सिंगार है। अबे अबे बहन के लोड़े मचा जा रहा, अबे निकाल वो निकाल। अबे साले किसी का औजार पकड़ लिया तुमने? अबे जब भी मैं बोलूं इसमें से गाढ़ा गाढ़ा क्या निकल लिया है? ना ना मुझे ना बताओ, बहन के लोड़े में समोसे बनाने बंद क्यों कर दिए? अबे बोख लेंडी के, चलो पाके ढूंढो, और अब के बाद ध्यान से ढूंढ लिए। अच्छा। अबे प्यारी चूतिया मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तू क्या कर रही है, पाके ढूंढना? बिल्कुल सही कह रही है, अच्छी होती तो मजा ही आ जाता। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लौंडिया सेट कर रहा हूँ, और एक सामने खड़ी। पैकेट ना मिला? ना। चलो फिर ढूंढो। पास से निकाल मेरी, आज तो पैकेट ढूंढी दूंगा पेड़ की। पैकेट सा दिखाई है तो मेरे को यार, कुछ अंधेरा बहुत। लोडे हाई, पैकेट मिल गया। पैकेट मिल गया, अंधेरे को पैकेट मिल गया। चलो मैं ऐसा मैं प्यारी चूतिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे बताया था अभी। अबे पोख लेडी के पैकेट मिल गया। अम्मी ने बिरयानी बनाई थी क्या, बता रहा? अबे पोख लेडी के, मुझे ना पता कि तेरा भाई 10-10 रुपए में क्यों मरा रहा। चलो पाके ढूंढो। एक तो भेंड के लोड़े लाते काली अंधेरी रात में, मेरे को पाके ना मिले, इसमें मेरी क्या गलती है? अबे आई लोटे पैकेट मिल गए। मुझे क्या पता तेरा खड़ा क्यों ना हो रहा। अंधे को पैकेट मिल गया। अबे भेंट के लोड़ा, हर बार पता नहीं क्या क्या पकड़ ले यार। पिछली बार औजार पकड़।
लिया किसी का, वहां उसको पकड़ के हिला रहा। अब अगली बार उसने कैप्चर का पैकेट पकड़ लिया, इस बार पता नहीं क्या पकड़ लिया दिखे यार। नो जिंदा दो दो गोल्ड लिप के ठाकुर ने कहा था ना। अब फेंक दे बहन के लोड़े, पता नहीं क्या क्या पकड़ता रहे वे, फेंक दे। हैं यार के तो वैसे सही रहे ये, कभी मैं किसी का औजार पकड़ लूं, कभी मेरे को कैप्शन का पैकेट मिल जाए, ठीक है फिर फेंक दूं। फेंक दे चुप।